मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विशिष्ट श्रृंखला हमारी जारी है और आज हम इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी हाँ साथियों, बात करेंगे आज मीन लग्न के जातकों के बारे में। कब मीन लग्न के जातकों को जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ सकता है और क्या उपाय है कि वो इस अनैतिक संबंध से बहुत आसानी से बाहर आ जाए। साथियों, आप सभी ने इस श्रृंखला के सभी एपिसोड को बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मीन लग्न एक बहुत ही सुंदर लग्न है क्योंकि स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति इस लग्न के स्वामी माने जाते हैं। ये एपिसोड दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली दृष्टि कि यदि हम कुंडली मिलान की चर्चा कर रहे हैं तब हम ऐसी कुंडलियों को दरकिनार कर सकें जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग पाया जाता है, और दूसरा यदि इस प्रकार का कोई संबंध है तो हमारे पास में बहुत और बेहद आसान उपाय है कि कैसे इस संबंध से बाहर निकला जाए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। आज हम चार ऐसी परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जो मीन लग्न में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बन सकते हैं। आइए साथियों, ये जो जन्म पत्रिका आप देख रहे हैं ये 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, और 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है इसलिए हम इसको मीन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र लग्न में ही विराजमान है, यहाँ पर मीन लग्न में शुक्र पराक्रमेश हैं और साथ में अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होने के कारण और लग्नेश का शत्रु होने के कारण यहाँ पर शुक्र अशुभ प्रभाव प्रदान करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बनेगा, खास तौर पर शुक्र की दशा या अंतर दशा में। शुक्र यहाँ पर उच्च का है, मालव्य योग का निर्माण कर रहा है, गजब का आकर्षक व्यक्ति, साधारण नहीं, ये इतना आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कि उसके आकर्षण से सामने वाला व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता। कला का जबरदस्त प्रेमी होता है ऐसा व्यक्ति, पूरा जीवन वैभव और ऐश्वर्य के साथ में बिताता है और साथ ही दिल का नाजुक भी होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि सूर्य मीन लग्न में अष्टम भाव में विराजमान है और किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही हो, तब भी ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना इस स्थिति में करना पड़ता है, खास तौर पर सूर्य की दशा और अंतर दशा में। ये स्थिति हम देख रहे हैं कि सूर्य षष्ठेश होने से स्वयं भी पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव परिणाम लेकर के आता ही आता है। हालांकि सूर्य यहाँ पर मित्र राशि में है, इस राशि में होने के कारण ऐसे व्यक्ति के सरकारी कार्य सही समय पर हो जाते हैं, हो सकता है कि स्वयं भी सरकारी नौकरी में हो या फिर किसी प्रकार के लाइजनिंग के कार्य में हो, परंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से खराब करने का कार्य करता है, हाँ इनके साहस को कई गुना बढ़ा देता है। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि मीन लग्न में अष्टम भाव में ही मंगल देव विराजमान हो जाए, कुंडली इस प्रकार से ये मांगलिक हो गई है, विवाह में इनके विलंब जरूर होगा, मंगल धनेश और भाग्येश है, इसी कारण ये यहाँ पर मारक प्रभाव में भी आ गया है, लग्नेश गुरु के ये मित्र हैं, बचपन का जो इनका समय है वो बेहद संघर्षमय बीतता है और मंगल की दशा या अंतर दशा में इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना भी करना पड़ता है। चौथी और अंतिम स्थिति, यदि मीन लग्न में बुध देव सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में हैं और साथ ही किसी प्रकार की शुभ दृष्टि या युति इनके साथ में नहीं है,
ये स्थिति भी बुध की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाने का कार्य करती है। साथियों, यहाँ पर बुध सप्तमेश और सुखेश है, बुध मार्केश भी है। द्वितीय भाव में हम देख रहे हैं कि शत्रु राशि में है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि का धनी होता है, पारिवारिक सुख उसको मिलता है, बड़ा परिवार उसको मिलता है, अपनी माता से उसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है और स्वयं भी वो बहुत सोशल होता है। सप्तम भाव में यहाँ पर बुध भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, पर इस स्थिति में भी व्यक्ति को बुध की दशा या अंतर दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना जरूर करना पड़ता है। साथियों, यदि इनमें से कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है और आपके अंदर 1% भी भाव, 1% भी विल पावर है कि आपको इस प्रकार की स्थिति से बाहर आना है, अपने दाम्पत्य को पुनर्जीवित करना है, तो आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करते हुए किसी भी चौपाए जानवर को हरा घास अपने हाथ से आप दिन की जब आप शुरुआत करते हैं नहाने के स्नान करने के पश्चात तब आप नियमित रूप से इसको दें। साथियों, 3 माह के भीतर ही सम्मानजनक स्थिति से आप इस अनैतिक संबंध से बाहर आ जाएंगे, तो आप इसका ज़रूर लाभ लीजिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।